बहुत बहुत बधाई है आपको, है सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत बधाई है। रास्ता बनाते थोड़ा जरा सर, सबसे पहले मैं छठ पूजा के पावन पर्व पर कठुआ वासियों को, लेडीज़ को, बच्चों को, जेंट्स को, सब बड़े बूढ़ों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस खुशहाली के साथ हम इस पर्व को आज मना रहे हैं, ऐसे ही आगे भी मनाते रहेंगे। बड़ा देख के अच्छा लग रहा है, इतनी पब्लिक है। जैसा मुझे बताया जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार लोग होंगे आज की डेट में। और CTM ने हमेशा इस पर्व को आगे चढ़ के मनाया है हर साल। और इसमें जितना भी ये मैदान है, इसकी हम लोग सफाई कराते हैं। जो पानी इसमें बह रहा है उसको बंद करके पूरे नहर की सफाई कराते हैं, पानी दोबारा छोड़ते हैं। मेरा मतलब है कि इस मैदान को CTM ने अपनी तरफ से ऑन कर रखा है, जिससे कि जितने भी कठुआ के लोग हैं इस पर्व को अच्छे से आनंदपुर मना पाएँ, बच्चे लोग इसको एंजॉय कर पाएँ। और इसमें कोई भी कमी बेसी होगी उसको भी आगे बढ़ के दूर करा जाएगा। मेरे को ये बताया है कि इसमें 2-3 घाट और बनाने चाहिए या 4 घाट और बनाना चाहिए, तो मैंने ये परमिशन दे दी है कि आगे अगले साल इन घाटों में और बढ़ोतरी होगी। तो इसके साथ मैं दोबारा से सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कठुआ शहर का हर वासी
प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह का इंतजाम रहा? देखिए, जिला प्रशासन ने इस बार हर तरह की तरह, हर साल की तरह इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई है, क्योंकि इतनी पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए उनके बिना काम बनता नहीं है। कम से कम 100 से ज़्यादा पुलिस वाले यहाँ लगे हुए हैं, जो पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखे हुए हैं, जिससे कि किसी को भी असुविधा ना हो। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। SSP साहब से भी मेरी बात हुई थी, सुबह बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे पूरी फौज लगा दूंगा, जिससे जितने भी कठुआवासी हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। DC साहब से भी मेरी बात हुई थी, वो दोनों किसी वश आज क्योंकि आज संडे था तो वो आज आ नहीं पाए, आउट ऑफ स्टेशन है, नहीं तो उनको हमने इनवाइट करा था इनॉग्रेशन के लिए, लेकिन क्योंकि वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो आज वो इस वजह से आ नहीं पाए, लेकिन मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।